इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से हजारों सालों पहले जब धरती और स्वर्ग को अलग किया गया था, तब दुनिया का सबसे पहला और पावरफुल शैतान प्रिमोडियम पैदा हो गया था, जो तीनों लोगों पर राज करना चाहता था। इसीलिए उसने सभी लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया। देवताओं के सैनिकों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका सामना कोई नहीं कर पाया। तो बुद्धा ने अपने एक शिष्य गोल्डन शिकारा को प्रिमोडियम को रोकने के लिए भेजा, क्योंकि उसके पास क्यू नाम की बहुत ही पावरफुल एनर्जी थी। शिकारा ने अपनी सारी क्यू एनर्जी का इस्तेमाल करके प्रिमोडियम को हमेशा के लिए पृथ्वी के सबसे अंधेरे और ठंडे इलाके में कैद कर दिया था। वहीं फिर हमें परजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि कहानी सैंडी बाजी को सुना रहा होता है, लेकिन बाजी को इस कहानी पर यकीन नहीं होता। तो सैंडी उसे कहता है कि यह कहानी सच्ची है, क्योंकि प्रिमोडियम ने जहां भी पैर रखा था वहां का सारा जीवन नष्ट हो गया था, और प्रिमोडियम किसी भी चीज को दानों में बदल सकता है। फिर वो दोनों अपने मास्टर टेंग के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें लेकर एक पश्चिम की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले थे। तभी वहाँ टेंग का सबसे अच्छा शिष्य सन वुकोंग भी आ जाता है, जिसे हम मंकी किंग के नाम से जानते हैं, जो सभी डीमन का राजा है। फिर वो सभी अपनी यात्रा पर निकलते हैं, जहाँ रास्ते में वो एक वुजुआंग नाम के टेंपल पर थोड़ी देर आराम करने का डिसाइड करते हैं। वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उस टेंपल से दो लड़के बाहर आते हैं, जो उस टेंपल के केयर टेकर होते हैं। वो उन सभी को अपने साथ अंदर लेकर जाते हैं, क्योंकि अभी उनके मास्टर जेन युआंग किसी काम से बाहर गए थे। वो दोनों लड़के मास्टर टेंग को स्वर्गीय सील के पास लेकर जाते हैं, जहां मास्टर ध्यान करने लगते हैं। वहीं मंकी और उसके दोस्त टेंपल में घूम रहे होते हैं और वहां की चीजों का मजा ले रहे थे। तभी बाजी छिपकर उन केयर टेकर की बातें सुन लेता है, जो उनसे किसी खास तरह के फ्रूट को छिपाने की बात कर रहे थे। ये सुनकर बाजी फौरन मंकी किंग के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तो दोनों छिपकर उन केयर टेकर का पीछा करने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि वो किसी सीक्रेट जगह में जा रहे हैं। ये देखकर मंकी किंग और बाजी अपना रूप बदलकर अंदर घुस जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि वहां एक बहुत ही बड़ा व्हाइट कलर का जादुई पेड़ होता है, जिस पर बहुत ही खास तरह के फल लगे हुए थे। वो दोनों केयर टेकर वहां से एक फल तोड़कर चले जाते हैं, जिससे मौका पाकर मंकी किंग और बाजी अपने असली रूप में आ जाते हैं, और उन्हें भी वो फल खाने की बहुत इच्छा होती है। इसीलिए मंकी किंग अपनी स्टिक से एक फल को तोड़ लेता है, लेकिन वो फल जमीन पर नीचे जाकर गिर जाता है। बाजी उस फल को पकड़ने जाता है, लेकिन तभी वो फल जमीन में कहीं गायब हो जाता है। बाजी उस फल को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी मंकी किंग को वहाँ डीमन एनर्जी का एहसास होता है, इसीलिए अपनी पावर का यूज करके एक क्रिएचर को बाहर निकाल लेता है, और मंकी किंग उस पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने मेरा फल चुरा लिया। तो क्रिएचर उसे बताता है कि मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि ये सभी जादुई फल है जो जमीन पर लगते ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्रूट्स 10,000 सालों में सिर्फ एक बार उगते हैं, और अगर तुम इन फल को खा लो तो तुम 47,000 सालों तक जीवित रह सकते हो। ये सुनते ही मंकी किंग उस फल को खाने के लिए बहुत उत्सुक हो जाता है, और उस क्रिएचर की पूरी बात सुने बगैर ही उस फल को तोड़ने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग उस पेड़ से 3 फल तोड़कर ले आता है, और वो तीनों दोस्त मिलकर एक एक फल खा लेते हैं। लेकिन तभी वो दोनों केयर टेकर उनकी बातें सुन लेते हैं, जिससे उन्हें उन पर शक होता है। इसीलिए वो जादुई पेड़ के पास जाकर वहाँ अपने फ्रूट चेक करने लगते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ 4 फ्रूट कम होते हैं। इससे उन्हें बहुत गुस्सा आता है, और वो मंकी किंग और उसके दोस्तों पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। तभी मास्टर टेंग भी वहाँ आ जाते हैं, जो उन्हें कहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। तो दोनों केयर टेकर उन्हें कहते हैं कि आप दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं कि आप भी इनके साथ मिले हुए हैं। तो मंकी उन्हें कहता है कि मेरे मास्टर ने कुछ नहीं किया, वो फ्रूट्स मैंने तोड़े थे, इसीलिए अगर तुम्हें पनिश करना है तो मुझे पनिश करो। तो दोनों लड़के मंकी किंग पर अटैक कर देते हैं, मंकी किंग उनसे बचता जाता है। मास्टर टेंग उन दोनों लड़कों से कहते हैं कि मंकी किंग को परेशान मत करो। तो दोनों मास्टर से कहते हैं कि आप भोला बनने का दिखावा मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपने भी वो जादुई फल खाया है। तो मंकी किंग को इससे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो अपने मास्टर की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वो उन दोनों को गुस्से में कहता है कि अब मैं तुम्हारे पेड़ को ही नष्ट कर दूंगा। टेंग उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों लड़के मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम एक मामूली राक्षस हो जो बुराई के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो मंकी किंग को इससे बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी मैजिकल स्टिक बाहर निकाल कर उस पेड़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए चला जाता है। वो उस पेड़ के पास जाकर सारे फ्रूट्स को तोड़कर नीचे गिरा देता है, जिससे वो सभी फ्रूट्स नीचे गिरकर गायब हो जाते हैं। केयर टेकर मंकी किंग को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाते। फिर मंकी किंग अपनी स्टिक का साइज बहुत बड़ा करके उस पेड़ को पूरी तरीके से तोड़ देता है। तभी जेन युआंग भी अपने शिष्यों के साथ वहाँ आ जाते हैं, और वो अपने सभी शिष्यों को जादुई पेड़ के चारों तरफ एक कवच बनाने को कहते हैं, ताकि उसके अंदर के शैतान को बाहर आने से रोक सके।
सके। वो सभी शिष्य मिलकर एक बहुत ही जटिल सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तभी मास्टर टेंग जेन युआंग से माफी मांगते हैं कि मेरे शिष्यों से गलती हो गई, लेकिन जेन युआंग उन्हें कहते हैं कि इन्हें इनके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये कहकर वो मंकी किंग और उसके दोस्तों पर अटैक कर देते हैं, जिससे उन चारों के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तभी वो कवच क्रैक होने लगता है और प्रिमोर्डियम धरती की गहराइयों से बाहर निकल आता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसकी नजर टैंक पर पड़ती है, जिससे उसे लगता है कि वो गोल्डन शिकारा है, इसलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं मंकी किंग और जेन युआंग के बीच अभी भी फाइट चल रही होती है और जेन युआंग इस फाइट को रोकने के लिए मंकी किंग और उसके दोस्तों को एक शील्ड में बंद कर देते हैं। मंकी किंग उस शील्ड को तोड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस शील्ड को नहीं तोड़ पाता। जेन युआंग उसे बताते हैं कि तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है, क्योंकि ये कोई आम पेड़ नहीं था बल्कि इसे क्यू ऊर्जा द्वारा बनाया गया था और इसके नीचे बहुत ही खतरनाक शैतान प्रिमोर्डियम कैद था, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से वो आजाद हो गया। तो मंकी किंग उसे कहता है कि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर ही तो है, इसीलिए मैं अपने मास्टर को बचाने जा रहा हूँ। तो जेन युआंग उसे कहते हैं कि कहना बहुत ही आसान होता है, लेकिन करना उतना ही मुश्किल, क्योंकि 3 दिन बाद प्रिमोर्डियम अपने पुराने शक्तिशाली रूप में वापस आ जाएगा और वो तुम्हारे मास्टर को निगल लेगा, क्योंकि तुम्हारे मास्टर टेंग ही गोल्डन शिकारा के 10वें अवतार है। इसीलिए अगर उसने तुम्हारे मास्टर की शक्तियाँ हासिल कर ली तो बहुत ताकतवर हो जाएगा, जिसे कोई रोक नहीं पाएगा और वो तीनों लोगों को अपने वश में कर लेगा। तो मंकी किंग उन्हें कहता है कि ऐसा कोई डीमन नहीं है जिसे मैं वश में नहीं कर सकता, इसीलिए मैं अपने मास्टर को बचा लूंगा। तो जेन युआंग उसे एक मौका दे देते हैं। फिर मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ जाने की तैयारी करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उस जादुई पेड़ से क्यू एनर्जी निकलकर मंकी किंग के बैग में उनके साथ चली जाती है। वहीं दिखाया जाता है कि प्रिमोर्डियम टैंक को लेकर एक माउंटेन की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके रास्ते में जितने भी जीवित जीव जंतु आते हैं उन्हें उसकी डार्क एनर्जी उन्हें डीमन में तब्दील कर देती है। प्रिमोर्डियम जब उस पहाड़ तक पहुँचता है तो वहाँ बहुत सारे डीमन उस पर अटैक करने आने लगते हैं, लेकिन जब प्रिमोर्डियम उन डीमन के लीडर को बताता है कि वो प्रिमोर्डियम है तो वो सभी डरकर उसके सामने घुटने टेक लेते हैं। फिर वो सभी को कहता है कि जब तक मैं अपने असली रूप में नहीं आ जाता तब तक तुम इस मोंग का ख्याल रखना। फिर वो डीमन टेंक को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। तभी उन डीमन का लीडर प्रिमोर्डियम को कहता है कि इस मोंग का शिष्य सन वुकोंग बहुत ही शक्तिशाली है, क्योंकि वो सभी डीमन का राजा है जिसने 500 सालों पहले स्वर्ग के मंदिर में आतंक मचाया था। तो प्रिमोर्डियम उसे कहता है कि मेरे अलावा यहाँ कोई राजा नहीं हो सकता और वो गुस्से में उसे वहाँ से दूर फेंक देता है। वहीं दिखाया जाता है कि मंकी किंग अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। वो एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं। तभी वहाँ वो क्यू एनर्जी उनके बैग से निकलकर बाहर आ जाती है, जिससे उन सभी को लगता है कि वो एक डीमन है, लेकिन तभी वो क्यू एनर्जी ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो जाती है और वो उन्हें बताती है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ बल्कि मैं वही क्यू एनर्जी हूँ जिसने प्रिमोर्डियम को पकड़कर उस पेड़ के नीचे सील कर दिया था। लेकिन मंकी किंग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए उसे दूर फेंक देता है। फिर वो जमीन से उसी क्रिएचर को दोबारा बाहर निकालता है और उसे पूछता है कि मुझे बताओ कि प्रिमोर्डियम कहाँ छुपा हुआ है। तो वो क्रिएचर उसे बताता है कि माउंटेन गोट का इलाका है जो सारी जगहों के बारे में जानता है, इसीलिए उसके टेम्पल से ही तुम्हें प्रिमोर्डियम के ठिकाने का पता चल सकता है। फिर वो ये भी बताता है कि तुम क्यू एनर्जी की मदद से प्रिमोर्डियम को मार सकते हो, इसीलिए तुम्हें उसकी मदद लेनी चाहिए। लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं सुनता और उस क्रिएचर को भी दूर फेंक देता है। तो सैंडी उसे बताता है कि वो सच कह रहा था, क्योंकि किताब में लिखा है कि बुद्धा के शिष्य ने अपनी सारी क्यू एनर्जी का इस्तेमाल करके ही प्रिमोर्डियम को सील किया था। तो मंकी किंग भी उसकी बात समझ आता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि प्रिमोर्डियम भी उन्हें अपनी शक्तियों की मदद से देख रहा होता है, इसीलिए अपने साथियों को उन्हें मारने के लिए भेजता है। तभी टेंग उसे कहते हैं कि मेरे शिष्य मुझे बचाने जरूर आएंगे। तो प्रिमोर्डियम उसे कहता है कि तुम्हारे शिष्य मुझे कभी भी नहीं रोक सकते, इसीलिए तुम्हें सबने देखना बंद कर देना चाहिए। वहीं हमें मंकी किंग को दिखाया जाता है जो अब क्यू एनर्जी को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगता है, जहां वो एक गांव में खाना खाने के लिए जाते हैं। लेकिन वहां गांव में सभी उन डीमन को देखकर काफी डर जाते हैं कि तभी डार्क एनर्जी आकर उस गांव को चारों तरफ से घेरने लग जाती है। ये देखकर मंकी किंग क्यू एनर्जी को एक लालटेन के अंदर छिपा देता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि प्रिमोर्डियम उस क्यू एनर्जी को खत्म करना चाहता है। तभी वहाँ सभी डीमन उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन मंकी किंग अकेला ही उन पर बहुत भारी पड़ता है। वो एक एक करके सभी को मारने लगता है। ये देखकर वो डीमन उस गांव के लोगों को शैतान बनाने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मंकी किंग निर्दोष लोगों पर अटैक नहीं कर सकता। तो मंकी किंग अपनी पावर से उन सभी इंसानों को फ्रीज कर देता है। तभी उन डीमन का लीडर उस क्यू एनर्जी वाली लालटेन को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये
देखकर मंकी किंग उस पर अटैक कर देता है और क्यू एनर्जी को बचा लेता है। लेकिन तभी वहाँ ओ डीमन भी आ जाते हैं जो उस क्यू एनर्जी के पीछे पड़ जाते हैं। ये देखकर मंकी किंग पूरे टावर को ही दो हिस्सों में काट देता है जिससे वो सभी डीमन उस मीनार के नीचे दब जाते हैं। क्यू एनर्जी को उन मासूम लोगों के लिए बहुत बुरा लगता है जो अब डीमन बन गए थे, इसीलिए क्यू एनर्जी नीचे आकर अपनी पावर की मदद से उन सभी इंसानों को सही कर देती है। ये देखकर मंकी किंग और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं, लेकिन इससे क्यू एनर्जी बहुत कमजोर हो जाती है। मगर जब वो वापस से फ्रूट्स खाती है तो उसकी एनर्जी वापस आ जाती है। इन सब से मंकी किंग और उसके दोस्त उसे काफी पसंद करने लगते हैं। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि उन सभी डीमन का लीडर जब प्रिमोडियम के पास जाकर उन्हें बताता है कि मैं उस क्यू एनर्जी को मारने वाला था, लेकिन तभी मंकी किंग ने मुझे रोक लिया। तो प्रिमोडियम उसे कहता है कि तुम कुछ काम के नहीं हो। ये कहते ही वो उसे खा जाता है और फिर अपने अंदर से डार्क शेडो निकालकर उसे मंकी किंग को खत्म करने के लिए भेजता है। वहीं मंकी किंग अपने साथियों के साथ माउंटेन गोट के इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ वहाँ माउंटेन गोट का स्टेचू होता है। तभी वो डार्क शेडो आकर माउंटेन गोट के स्टेचू को अपने वश में कर लेती है, क्योंकि अभी माउंटेन गोट की आत्मा वहाँ नहीं होती, जिससे माउंटेन गोट मंकी किंग पर अटैक करने लगते हैं। वो अपने रकून डॉग से उन तीनों पर अटैक कर देता है। मंकी किंग उस रकून डॉग को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं मार पाता। तो सैंडी अपनी बुक में देखकर बताता है कि इस रकून डॉग को सिर्फ मुंह बांधकर ही मारा जा सकता है। तो मंकी किंग अपने कुछ बाल तोड़कर उस रकून का मुंह बंद कर देता है, जिससे वो सिकुड़कर मर जाता है। फिर मंकी किंग माउंटेन गोट पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है, जिससे उसके अंदर से सभी डार्क एनर्जी बाहर निकल आती है जो उस पूरे टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो क्यू एनर्जी पर भी अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन क्यू एनर्जी अपनी पावर से उस डार्क शेडो को खत्म कर देती है। तभी माउंटेन गोट की आत्मा भी वापस आ जाती है। तो मंकी किंग उससे पूछता है कि प्रिमोडियम कहाँ है। तो माउंटेन किंग उन्हें अपने साथ लेकर जाता है, जहाँ रास्ते में माउंटेन गोट उन्हें बताता है कि प्रिमोडियम सभी राक्षसों की सेना बना रहा है। तो क्यू एनर्जी उसे कहती है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रिमोडियम को सील कर सकती हूँ। तो माउंटेन गोट मंकी किंग को बताता है कि इस क्यू एनर्जी ने ह्यूमन रूप ले लिया है, इसीलिए अगर उसने क्यू एनर्जी का इस्तेमाल किया तो क्यू एनर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। इन सब से वो सभी काफी सैड हो जाते हैं। फिर माउंटेन किंग उन्हें वो मिलेनियन पर्वत दिखाता है जहाँ प्रिमोडियम छिपा हुआ था, लेकिन उन्हें कहता है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकता। तो मंकी किंग उसे जाने देता है और साथ ही वो उसके रकून डॉग को भी फिर से ठीक कर देता है। माउंटेन गोट इससे बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि प्रिमोडियम से जीतना बहुत मुश्किल है, इसीलिए मेरी बात मानो और बुद्धा से सहायता मांगो। लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं सुनता तो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि सभी ताकतवर डीमन मिलेनियम पर्वत पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि अब वो वक्त आ गया था जब प्रिमोडियम अपने असली रूप में आने वाला था, और कुछ ही देर में प्रिमोडियम अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मंकी किंग और उसके साथी एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं, क्योंकि वो सब नहीं चाहते थे कि क्यू एनर्जी प्रिमोडियम से लड़ते वक्त मारी जाए, इसीलिए उसे वहीं सुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्यू एनर्जी को नींद नहीं आ रही थी। वो मंकी किंग से कहती है कि अब तो हम दोस्त बन गए हैं, इसीलिए तुम मेरा नाम रख सकते हो। तो मंकी किंग उसका नाम फ्रूटी रखता है। क्यू एनर्जी को भी वो नाम बहुत अच्छा लगता है। फिर वो मंकी किंग से पूछती है कि तुम्हारा नाम सन वुकोंग किसने रखा था। मंकी किंग उसे कहता है कि मेरा ये नाम मेरे मास्टर ने रखा था, क्योंकि मेरे कोई माँ बाप नहीं है, मैं पत्थर से पैदा हुआ था, इसीलिए तुम चुपचाप सो जाओ, क्योंकि मैं एक बुरा डीमन हूँ जो बुराई के सिवा कुछ नहीं कर सकता। तो फ्रूटी उसे कहती है कि तुम बुरे नहीं हो, तुम एक अच्छे डीमन हो। साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि हम दोनों मिलकर प्रिमोडियम को हरा देंगे और तुम्हारे मास्टर को आजाद कर लेंगे। तो मंकी किंग उससे वादा करता है कि हम साथ में प्रिमोडियम से लड़ेंगे। तो फ्रूटी इससे बहुत खुश होती है। फिर वो वहाँ एक चट्टान पर जाकर सो जाती है। तो मंकी किंग उसके चारों तरफ एक कवच बना देता है ताकि उसे कोई नुकसान न पहुँचा सके, और वो उसे अपने साथ भी लेकर नहीं जा सकते थे क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा था। फिर वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं। वो सुबह होते होते उस पर्वत के काफी करीब पहुँच जाते हैं, लेकिन तभी प्रिमोडियम के सभी डीमन उन पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। तो मंकी किंग भी अपने दोस्तों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। वो तीनों सभी डीमन पर भारी पड़ने लगते हैं, क्योंकि बाजी खुद को बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल लेता है और सैंडी अपनी वाटर की शक्तियों से उन पर हमला करने लगता है। उन सभी के बीच बहुत ही एपिक फाइट होती है, लेकिन एक जगह मंकी किंग को सभी डीमन चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर मंकी किंग अपने बालों की मदद से बहुत सारे क्लोन बना लेता है जो सभी डीमन पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी प्रिमोडियम वहाँ आ जाता है और उन डीमन को
खुद ही मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि वो सब कमजोर हो गए हैं। मंकी किंग अपनी पूरी पावर से प्रिमोडियम पर अटैक करने लगता है। वो तीनों एक परफेक्ट टीम की तरह प्रिमोडियम पर अटैक करते जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है जैसे प्रिमोडियम आसानी से हार जाएगा। लेकिन प्रिमोडियम वापस उठ खड़ा होता है और अपनी रिंग से उन पर हमला करने लगता है, जिससे वो तीनों इस बार प्रिमोडियम के सामने नहीं टिक पाते और प्रिमोडियम उन्हें बहुत मारता है। वहीं फ्रूटी की जब आँख खुलती है तो देखती है कि मंकी वहाँ नहीं है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उस कवच की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाती। तभी मंकी बहुत इंजर्ट हुआ उसके पास आकर गिरता है और प्रिमोडियम उसे मारने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसे बचाने आते हैं, मगर प्रिमोडियम उन दोनों को ही जान से मार देता है और मंकी किंग चाहकर भी उन्हें नहीं बचा पाता क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ट हो चुका था। फिर प्रिमोडियम फ्रूटी को खत्म करने के लिए उसके चारों तरफ बने कवच को तोड़ने लगता है, तो मंकी किंग उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन प्रिमोडियम वो कवच तोड़ देता है। ये देखकर मंकी फ्रूटी को वहाँ से भागने को कहता है। फ्रूटी उसकी ये हालत देखकर रोने लग जाती है। तभी प्रिमोडियम टैंक को भी वहाँ ले आता है और वो मंकी किंग के सामने ही टैंक की पावर को अपने अंदर खींच लेता है, जिससे टैंक की आत्मा भी निकल जाती है। इससे फ्रूटी काफी सैड हो जाती है और वो अपनी पावर मंकी किंग को देने लगती है, लेकिन मंकी किंग पावर लेने से मना कर देता है। तभी प्रिमोडियम फ्रूटी को पकड़ लेता है और वो मंकी किंग से कहता है कि तुम डीमन के राजा बनने के बिल्कुल लायक नहीं हो, इसीलिए अपनी हार मान लो। लेकिन मंकी किंग उसे कहता है कि हार मानने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। इससे प्रिमोडियम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मंकी किंग को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है। ये देखकर फ्रूटी को भी बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर से प्रिमोडियम पर अटैक करने लग जाती है और उसे पूरी तरीके से पकड़ लेती है। लेकिन तभी प्रिमोडियम अपनी सारी पावर को एक्टिवेट कर लेता है क्योंकि अब उसके पास टैंक की भी पावर आ गई थी और वो अपनी सारी पावर से फ्रूटी पर अटैक कर देता है, जिससे फ्रूटी दूर जाकर गिरती है और उसकी सोल निकलकर मंकी किंग के अंदर चली जाती है, जिससे मंकी में फिर से जान आ जाती है और उसका स्टोन हार्ट बहुत तेजी से धड़कने लग जाता है। और अब मंकी किंग अपने रुद्र रूप में आ जाता है। फिर उन दोनों में बहुत ही एपिक फाइट स्टार्ट होती है, जिससे अब मंकी किंग प्रिमोडियम पर भारी पड़ता है और उसके हाथ पैर तोड़ देता है। फिर मंकी किंग अपनी स्टिक का साइज बढ़ा करके प्रिमोडियम को पूरी तरीके से मार देता है, जिससे अब प्रिमोडियम की सारी डार्क शेडो भी गायब हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि फ्रूटी की क्यू एनर्जी बाजी और सेंडी को फिर से ठीक कर देती है और अब उनके मास्टर भी वापस आ जाते हैं, जो उन तीनों को आशीर्वाद देते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां उस जादुई पेड़ को सही करने के लिए एक देवी प्रकट होती है, जो मंकी किंग के पास मौजूद फ्रूटी के पत्ते से उस पेड़ को वापस सही कर देती है और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।